हेलो किसान भाई, आप सभी लोगों का हमारे चैनल एस एन टेक एग्रीकल्चर में स्वागत है। किसान भाई, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सरसों की फसल में हमें आखिरी सिंचाई कब करना चाहिए और उसके साथ में जब हम आखिरी सिंचाई करें तो आपको कौन कौन से उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, कौन से स्प्रे का प्रयोग करना चाहिए जिससे हमारी जो सरसों की फसल में उससे आप 20-30% एक्स्ट्रा पैदावार ले सके। तो किसान भाई, इस वीडियो का पूरा अंत जो देखिएगा इसकी बिल्कुल मत करिएगा, आपको बहुत ही अच्छी जानकारी मिलने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सरसों की फसल में आपको आखिरी सिंचाई कितने समय पर करना है और उसके साथ में आपको कौन सा स्प्रे का प्रयोग करना है जिससे आप अपनी सरसों की फसल से बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकें। तो इसके लिए किसान भाई, आप इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखिएगा, तभी आप एक सही और एक सटीक जानकारी ले पाएंगे। जो हमारे किसान भाई हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो हमारे किसान भाई हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे हमारे आने वाले काफ़ी अन्य ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलते रहें और आप काफ़ी ज़्यादा ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें, अपनी सरसों की फसल है उससे आप बेहद अच्छा रिकातोड़ पैदावार लेते रहें। तो आइएगा हम शुरू करते हैं किसान भाइयों कि हमें सरसों की फसल में पहले मतलब जो आखिरी सिंचाई वो हमें कब करना चाहिए, कितने समय पीरियड पर करना चाहिए। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, सरसों की फसल ऐसी फसल होती है किसान भाई, अगर हम इस पर सही समय पर सिंचाई नहीं करते हैं और सही समय पर फर्टिलाइजर का प्रयोग नहीं करते तो हमारी सरसों की फसल की जो पैदावार होती है कहीं ना कहीं कम हो जाती है जिससे हमें घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सरसों की फसल में आपको कौन कौन चीज़ों को और ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों, आपको जो सरसों की फसल में आखिरी सिंचाई करना है उस समय पर आपको ध्यान रखना है, जैसे कि आप हमारी सरसों की फसल देख रहे हैं इस समय पर आप जगह जब आपकी किसान भाइयों आपकी देख रहे हैं आप ये इसमें जैसे ये फलियां बनने लग जा रही हैं, यानी कि फलियां जब आपकी बन जाए और जो फूल है ये खत्म हो जाए तब आपको आखिरी सिंचाई कर देना है, क्योंकि इस समय पर किसान भाई हमारे खेत में नमी खत्म हो चुकी होती है, हमारा खेत खुशक हो गया होता है, तो इस समय पर आपको आखिरी सिंचाई करना है। और एक चीज़ आपको ध्यान रखना है किसान भाई, आपको इस समय पर एक चीज़ का और बेहद ध्यान रखना है, काफ़ी हमारे किसान भाई इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते हैं जिससे उनकी सरसों की फसल में सही दर नहीं निकल के आती है। किसान भाई, इस समय पर जब हमारी फलियां बनती है तो उस समय मोइले मक्खी का अटैक हो जाता है, जिस वजह से हमारी सरसों की फसल होती है वो सरसों की फसल में जो पैदावार होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि किसान भी इससे होता है अगर हमारी जो सरसों की फसल में मक्खी या मोइले का अटैक हो जाता है जिससे हमारी पैदावार खराब हो जाती है, हमारी सरसों की फसल की जो फलियां होती है वो समय से पहले सूख जाती हैं और हमारा दाना बारीक रह जाता है जिससे हमें किसान भाइयों काफ़ी ज़्यादा घाटे का सामना करना पड़ता है। तो किसान भाई, मार्केट में बहुत सारे ऐसे टेक्निकल मौजूद हैं जो आप मक्खी का जो सफाया कर सकते हैं, मक्खी का अटैक हो गया हो तो उससे आप ख़त्म कर सकते हैं। तीसरा किसान भाइयों, मैं आपको एक चीज़ और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने में कि अगर आप इसका प्रयोग करते हैं तो आप अच्छा पैदावार ले पाएंगे। काफ़ी हमारे किसान भाई जब हमारी फलियां बन जाती है उस समय पर नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश का प्रयोग करते हैं, तो किसान भाइयों आपको इन ढेर सारे उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय पर हम नाइट्रोजन देंगे या कोई भी और खाद देंगे उसका कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, वो बस हमारी ज़मीन पर पड़ी रहेगी और हमारा पैसा बर्बाद होगा और टाइम बर्बाद होगा। जो किसान भाइयों, आपको ऐसी चीज़ों का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको, क्योंकि किसान भाइयों आप इससे पहले जो आप उर्वरकों का प्रयोग कर चुके थे वही बहुत सही है, इसके बाद आपको कोई भी एक्स्ट्रा अपने पैसे की बर्बादी नहीं करना है और ना ही अपने टाइम की बर्बादी करना है। अगर किसान भाइयों आपको प्रयोग करना है तो आपको किसान भाई इस समय पर एक जो मैं स्प्रे का प्रयोग बता रहा हूँ, अगर आप उस स्प्रे का प्रयोग कर देंगे तो किसान भाई आपको जो सरसों की फसल में जो फलियाँ हैं उसका साइज भी बढ़ेगा, दूसरा इसमें जो दाना आएगा वो भी चमकीला होगा, वजनदार होगा और मोटा होगा, तीसरा किसान भाई आपकी सरसों की जो तेल की जो मात्रा होगी वो तेल की मात्रा भी आप इससे बढ़ा सकते हैं। उसको करना क्या किसान भाइयों, आपको इस समय पर लेके आना है एक एनपीके का स्प्रे करना है, क्योंकि किसान भाइयों अगर आप स्प्रे का प्रयोग करते हैं तो इसका असर होता है किसान में तुरंत ही शुरू हो जाता है। काफ़ी हमारे किसान भाई खाद का प्रयोग करते हैं तो खाद हमारी ज़मीन में पड़ी रहती है तो इस समय पर कोई भी कार्य नहीं करती है, वो हमारी बस ज़मीन में पड़ी रहती है। तो किसान भाई आपको लेके आना है 1 किलोग्राम एनपीके 0:52:34, एनपीके 0:52:34 में 0% नाइट्रोजन होता है और 52% फास्फोरस होता है एंड 34% पोटास होता है, क्योंकि किसान भाई पोटास हमारे दाने को मजबूत करने में चमकीला मोटा वजनदार बनाने में कार्य करता है और जो फास्फोरस होता है हमारे तने को मजबूत करने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करता है, क्योंकि आपने देखा हो किसान भाई जैसे कि हमारी जब फलियाँ बन जाती है तो हमारा जो सरसों की फसल है एकदम लेट जाती है तो जिससे हमारा जो पैदावार होती है वो भी काफ़ी कम हो जाती है, क्योंकि हमारी फलियाँ अगर हमारा पेड़ा लेट जाएगा जिससे हमारी सरसों झड़ करके काफ़ी ज़्यादा ज़मीन में बर्बाद भी हो जाती है, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा घाटा देखने को मिलता है। 1 किलोग्राम एनपीके 0:52:34 लेके आना है और उसका स्प्रे कर देना है। स्प्रे करने से समय याद रखें किसान भाई आपके सरसों की फसल में नमी होना चाहिए, अगर आपने सिंचाई नहीं की तो आप सिंचाई करके इसका स्प्रे करें या स्प्रे करने के बाद में आपको सिंचाई कर देना। एनपीके 0:52:34 लेके आना है, उसका आपको करीब 150 से लेकर 160-180 लीटर पानी में घोल कर करना है और उसके बाद में स्प्रे कर देना है। उससे फ़ायदा ये होगा किसान भाई हमारा जो दाना होगा सरसों का वो चमकीला मोटा वजनदार बनेगा और उसमें जो तेल की मात्रा होगी किसान भाइयों वो तेल की मात्रा काफ़ी अच्छी निकल करके आएगी। तो इस प्रकार से आप किसान भाई अपनी सरसों की फसल में आखिरी सिंचाई पे जो मैंने उर्वरक बताया इसका प्रयोग करके अच्छा रिकातोड़ पैदावार ले सकते हैं।
उम्मीद करता हूँ किसानों में आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाए। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद नहीं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।